तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं अपने नए वीडियो पर। मैं सनी जसवाल, सनी जसवाल फिटनेस से। आज हम बात करेंगे पुलिस भर्ती को लेकर तीन टॉपिक पे। पहला है कौन सी बुक पढ़नी है, सेकंड है मेडिकल इशू को लेके, खासतौर पे जो टैटू हाथ में लगाते हैं उनका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर टैटू चलेगा कि नहीं करके, ओके। और तीसरा जो है मैटर यहाँ पर है कि क्या सर पुलिस भर्ती में पैसा चलता है, क्या बिना पैसे वाले का नहीं होता। तो आज हम इसी पर बात करेंगे यहाँ पर। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कि हमको कौन सी बुक अभी पढ़ना चाहिए फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए तो अभी आप नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको फिजिकल ही मतलब फिजिकल के लिए आपको मेरा मानना है करीब जनवरी फरवरी नॉर्मल ये जाने वाला है। मतलब अभी भी आपके पास फिजिकल के लिए 4 से 5-6 महीने है, और उसके बाद पेपर का जो ड्यूरेशन होगा, हो सकता है अगर ये फिजिकल अगर फरवरी आपका फरवरी मार्च में हो जाए तो पेपर आपका 2 से 3 महीने बाद हो सकता है। मतलब पेपर के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो अब वैसे अब मेरा मानना है कि आपको जो तैयारी तो 12 महीना करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अभी से आपकी सोच अच्छी है कि फिजिकल प्लस पेपर के लिए। और बहुत लोग के मन में आशंका रहती है कि मेडिकल को लेके, तो मेडिकल को लेके भी आज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो बुक में ज़्यादा कोई इशू नहीं है, मतलब एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं आता पुलिस का। मैं जेल प्रहरी हूँ, मैंने गौर किया है जेल प्रहरी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, ओके। और पुलिस का एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी आता है उससे, क्योंकि जेल प्रहरी में तो मैथ्स ज़्यादा रहते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो बेस्ट बुक आज की डेट में चल रही दो ही बुक है, एक तो लूसेंट की और एक तो हरिराम पटेल की। हरिराम पटेल की आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा लोकल एग्ज़ाम में ये सपोर्ट भी है। मतलब बहुत लोग इसी को पढ़ के एग्ज़ाम अपना क्रैक करते हैं। तो इसमें हरिराम पटेल की आपको इतिहास, छत्तीसगढ़ जी के और भी किसी प्रकार की ऐसे मैथ्स रीजनिंग की बुक मिल जाएगी। और लूसेंट का अगर छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जो जेल पर ही की जो तैयारी की थी ये छत्तीसगढ़ लूसेंट से ही की थी, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही पढ़ने में आसान है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी मेरा मानना है कि आप यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, उसमें आपका ब्रेन थोड़ा सा शार्प होगा। और बीच बीच में मेन है टेस्ट दिलाते रहे, हर महीने में एक बार या 15 दिन में। और जब आपका जब फिजिकल ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है आपके हर जिले में कलेक्टर के द्वारा किसी भी स्कूल या हाई कॉलेज या कॉलेज में वहाँ पे स्पेशल टीचर लोग को बुलाया जाता है और वहाँ पे फ्री निशुल्क कोचिंग लगती है, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो बुक का इशू यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सर टैटू का समस्या क्या है। तो ये बता दूं मैं कि पुलिस विभाग में टैटू का उतना बड़ा समस्या नहीं रहता यहाँ पर, आप उसकी तरफ से ज़्यादा चिंता ना कीजिए। लेकिन ये भी है कि टैटू, जैसे कि ये हाथ है हमारा, अगर टैटू आपका यहाँ से यहाँ तक है, इतना बड़ा टैटू में कुछ समस्या आपको यहाँ पे आ सकती है। लेकिन आपका जो टैटू है ये माइनर है, छोटा सा इधर, तो उतना समस्या नहीं आएगा। अगर टैटू आपका इस इलाके में है, अगर वो बड़ा भी है तो भी उतना कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्दी में छुप जाता है। लेकिन अगर आपका, आप खुद सोचिए गाइस कि अगर आपका टैटू इस भाग में पूरा है और आप भविष्य में पुलिस ये बन जाते हैं कांस्टेबल, और आप किसी अधिकारी को सल्यूट जब मारेंगे इस टाइप से, तो ये टैटू आपका यहाँ पे दिखेगा, जो कि एक अनुशासन व्यक्ति के लिस्ट में नहीं आता ये, इसलिए इसको अधिकतर मेडिकल के दायरे में भी सोचा संदेह में रखा जाता है। तो टैटू अगर छोटा रहेगा तो ये अपन मेडिकल में चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा टैटू है तो आपको इसको अभी से सुधार कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर छोटा मोटा टैटू है तो उतना माइंड नहीं करते, ठीक है। और मेडिकल में होता क्या है, तो मेडिकल का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल रहता है। आपका जब फिजिकल और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अधिकतर ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद वहाँ पर मेडिकल में काटते नहीं है, लगभग सबका हो ही जाता है, ओके। इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमको मेडिकल में काट देंगे। अगर इसमें आपकी थोड़ी बहुत आँख की रोशनी कमज़ोर भी है तो भी उन लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल आँख की रोशनी मतलब जो डिमांड मांग है पुलिस भर्ती में, उतनी होना हर किसी की पॉसिबल नहीं होती, ये वो लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो उतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर के, आप रिलैक्स रहिए और अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बाकी जो होना है वो तो समय के साथ होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो मेडिकल में होता है, ये पहले जो आपका होगा ये ब्लड सैंपल हो लेंगे, सिर्फ ब्लड सैंपल, और उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो उसके मेडिकल और उसके बाद होगा आपका आई टेस्ट,
सिर्फ तीन आपको चरण से गुजरना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें माइंड नहीं होता। ब्लड टेस्ट लेने का कारण ये है कि आपको कोई बड़ा रोग तो नहीं है, जैसे कि HIV एड्स जैसा संक्रमण या और भी कोई घातक बीमारी जो बॉडी के अंदर होती है लेकिन हमको मालूम चलती नहीं है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल बेसिक होता है, बहुत सारी मतलब बीमारी की जानकारी के लिए मतलब करने के लिए। और जो तीसरा मैटर आई टेस्ट, वो तो अगर आप राइफल आपको देंगे वहाँ पर तो आपका सेटिंग निशाना लगता है कि नहीं, उससे एक माइनर होता है। और हरा और लाल रंग के लिए आप मतलब कलर, आपको कोई रोग तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको, तो आपको वहाँ पर रंग की पहचान की जाएगी। अगर आपको वो है तो आप इसको नॉर्मल, अगर आप इसमें गूगल टेस्ट भी होता है, आप गूगल में भी जा कर लिखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस तो वहाँ पर कुछ काउंटिंग लिखी रहेगी, अगर वो आसानी से दिख गया तो आपको नहीं है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझ जाइए आपको कलर ब्लाइंडनेस है, और इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेडिकल का ज़्यादा समस्या नहीं है, इशू नहीं है, उसको ज़्यादा माइंड मत कीजिए। अब कुछ लोग का समस्या है कि घुटना सर हमारा जुड़ जाता है, क्या हम भर्ती के लिए अवेलेबल है? तो घुटना तो वहाँ पे चेक हो गई, और वहाँ पर आधिकारिक पर डिपेंड करता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाप जोत करने रहता है वो हल्का सा आदमी ठीक निकल जाता है, तो छोटा मोटा गलती को माफ भी कर देते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा है तो आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखना ठीक है, दिख रहा है मेरा ये घुटना है मेरा अभी जुड़ गया, ओके, अभी देखो हट गया, तो आपको पीछे इस तरीके से तान देना है तो आपका घुटना बीच में गैप आ जाएगा, इसमें आपको फिर उतना समस्या नहीं जाएगा। आप यहाँ पे और मतलब कुछ लोगों का मतलब कमेंट्स आया था कि सर हमारी हाइट है 1.67 है, 1.67 है, 1 सेंटीमीटर कम पड़ रही है, तो ये तो माइनर सा चीज़ है, आप भर्ती के लिए अप्लाई कीजिए, क्या पता उस दिन कोई अच्छा आदमी रहा जो आपका हाइट वहाँ नाप रहा होगा, आपको हाइट में वो अपने आप से छूट दे दे, ऐसा भी होता है। इसलिए वहाँ पर जाइएगा, आप डेयरिंग दिखाइएगा और एकदम ही सीधे तन के आप खड़े रहिएगा, आपको क्या पता उस दिन आपका हाइट निकल जाए तो आपका लक साथ दे दे और आप एक पोस्ट के दावेदार बन जाए, ओके गाइस। तो भविष्य में और इस फील्ड में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब सबसे बड़ा टॉपिक और जो मुझको पसंद नहीं है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं, कि माहौल, कुछ लोग इसको मैं असामाजिक तत्व ही बोलूँगा क्योंकि ये उल्टी धारा में अधिकतर बहते हैं, ये लोग मतलब मेहनती लोग के जो बीच में जो आड़े में आते हैं, उनका जो माइंड को ब्रेन वॉश करते हैं, ये वो लोग हैं जो उनका कहना है कि पुलिस भर्ती या कोई भर्ती, लेकिन अभी वर्तमान में पुलिस भर्ती का दौर है, तो उनका ये कहना है कि पुलिस भर्ती बिना पैसे के नहीं होती, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, आप मेहनती है, अगर आप मेहनत करेंगे अपनी क्षमता से ज़्यादा आपका सिलेक्शन होना तय है, उसमें ये जो फालतू मीटर है इसको ना लाइए, ये कलंकित लोग हैं जो आपको डराएंगे और आपका मनोबल कम करेंगे। ये अभी से आएंगे, फिजिकल के बाद आएंगे, पेपर के बाद आएंगे, मेडिकल में भी आएंगे और आपको डराएंगे। और एक बात बताऊँ, आप ये मत सोचना कि पैसा नहीं चलता, पैसा चलता है, पर कहाँ चलता है ये मैं बताता हूँ आपको। आप कोचिंग जाते हो, आप 10 जगह जाते हो, तो कुछ दलाल लोग अभी से आपको टारगेट में रखे रहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट फिजिकल में और पढ़ने में अच्छा है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि पैसे के लिए डिमांड कहाँ पे होती है, ओके। अब वो दलाल को पता है कि ये लड़का का या लड़की का होने वाला है, ओके, तो उसको नंबर को लिस्ट में टिक मार करके रख लेते हैं, और जब रिजल्ट के आने के पहले इनको कॉल लगाते हैं। इनका सिलेक्शन वैसे भी हो चुका रहता है कई मतलब हद तक, ये दलालों को पता रहता है, इनके पास एक दो लोग की लिस्ट नहीं होती, इनके पास कम से कम 200, 400, 500 लोग की लिस्ट होती है, जैसे कि अभी 6000 भर्ती है, तो ये लोग अभी से एक्टिव हो गए हैं, हर कोचिंग एकेडमी में जा करके नंबर ले लेते हैं लोगों से, और उसके बाद ये 1000-2000 का लिस्ट बनाते हैं, और इनको पता रहता है कि इसमें से 2000 में करीबन 500-600 लोग का होना है, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको फिर कॉल करते हैं, जिसका होने वाला रहता है ये उसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर या बेटा करके आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है, लेकिन एक आध दो नंबर का माइनर सा चूक हो रहा है यहाँ पर, तो अगर आप
रिस्क लेना नहीं चाहते और एक पद पाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ेगा। हमारा जो पहचान है उच्च अधिकारी से है और ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास भी कॉल आया था, मेरे जेल प्रहरी में फिजिकल में 80 नंबर और पेपर में 70 नंबर आया था। 70 नंबर इसलिए आया था क्योंकि जेल प्रहरी में 40 मैथ्स पूछते हैं और रीजनिंग और कम से कम 10-5 छत्तीसगढ़ और साइंस पूरा, इसलिए उस समय 80-100 में 70 लाना भी बड़ी बात थी। तो मेरा रायपुर में जो मेरा छत्तीसगढ़ में आया था, मेरा 7वें नंबर में नाम था मेरा, मैं 150 नंबर लाया था। जनरल मेरा नाम सनी जसवाल है, मेरा जाति अभी नहीं बना था उस टाइम, तो मैं जनरल से मेरा आया था उस टाइम। ओके, तो मेरे पास भी कॉल आया था कि सर आपका ऐसा ऐसा बात है, आपका होने का चांस है लेकिन एक आध दो नंबर चूक रहे तो 2 लाख रुपये लगेगा। मैं बोला यार मेरे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ आपको, तो भले नहीं होगा तो नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो इतना किया हूँ मेहनत टॉप की लिस्ट में, तो मेरा होना तय है ये तो मेरे को पता है भाई करके, और आप कहीं और ट्राई कीजिए क्योंकि हमको पहले से ही ये सब सिखा दिया गया था। हो सकता है कि आपको ये बात नहीं पता हो लेकिन आपको अभी से जानना बहुत जरूरी है कि दलाल लोग हमेशा घूमते रहेंगे और जो बेकार के यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं या जो यहाँ जो वहाँ जो अफवाह चलती है इनसे दूर रहिए। मेरा मानना है कि 1 साल तक पूर्ण समर्पण की भावना से फिजिकल पेपर में ध्यान दीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, कमज़ोर लोगों से दूर रहिए, ऐसे फ्रॉड से दूर रहिए क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात बड़ी आसानी से लीक हो जाती है। चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि कुछ लोग कमेंट्स करेंगे बाद में कि PSC भर्ती को लेकर ऐसे भर्ती का मान लेता हूँ कि समाज में कोई कुछ ना कुछ बुराई होती है तो कुछ परसेंट, चलो आपकी बात को कुछ इस तरीके से रखता हूँ मैं कि 6,000 पद है तो कुछ लोग बोलेंगे सर पैसा चलता है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, ऐसे आपकी बात मानते हैं तो 1,000 पद चला गया, 1,000 चला गया ना, लेकिन 5,000 तो है आपके पास, तो 5,000 में आप सेलेक्ट होइए अगर आपकी बात माने तो। लेकिन जो मेहनत करने वाले का हमेशा लगता है, मैंने देखा है जिसके पैर में जूते नहीं थे या जूते खरीदने के पैसे नहीं थे वो लोग अभी तक जॉब में हैं। मेरे सिखाए हुए कुछ प्लेयर मैंने पहली भर्ती में जेल प्रहरी मैंने पहली बार फॉर्म डाला था और पहली बार ही क्रैक किया था, ये मेरी स्टोरी है। मतलब पहली बार वैकेंसी डाला और एक ही बार मैंने जॉब लगा। इसका कारण ये है कि मैं एक स्टेट चैंपियन प्लेयर था और अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मतलब हम पहले से तैयार थे तो हमको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं गया। अब हम लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे लेकिन हमको पढ़ाई में उस समय फिजिकल के बाद 4 से 5 महीने का समय मिला। ओके, तो 4 से 5 महीने का समय मिला तो मैं बोला अब तो फिजिकल निकल गया टॉप ऑन टॉप, अब तो ये काम करना ही है पेपर वाला। तो मेरे को पढ़ने में उतना मन नहीं रखता था लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला कि चलो लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ माहौल रहेगा तो वहाँ माहौल बनाएंगे। तो एक समय अपन लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ना अच्छा लगा कि लाइब्रेरी खुलती थी सवेरे 7 बजे, बंद होती थी 12 बजे। तो दोस्त यकीन नहीं मानोगे, हम 7 बजे जाते थे और 12 बजे निकलते थे वहाँ से, और शाम को फिर जाते थे 4 बजे और शाम को 7 बजे निकलते थे। मतलब हम लोग उस समय 8-8, 10-10 घंटा पढ़ने की क्षमता हमारी बन गई थी। और ऐसा नहीं कि आप सब पढ़ोगे तो सब आपका पेपर में आ जाएगा, हर बार पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आते जितना आप पढ़ते हो, लेकिन आपका दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि आप 4 में से 2 क्वेश्चन छाटने का दम रखते हो और आखिरी में आपको 2 को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए, यही मेरा मानना है कि सारा ध्यान मेहनत पे कीजिए और मेहनत भी कोई बैल की तरह ना कीजिए। ओके, तकनीक पे ध्यान दीजिए, गोला फेंकने की तकनीक, लॉन्ग जंप तकनीक, दौड़ना कितना है, हर रोज भी आपको दौड़ना नहीं है, हर समय एक समय होता है। अगर हफ्ते में 3 दिन भी दौड़ते हैं तो बॉडी को रिकवर। आपने एक बात सुना होगा कि एक कुल्हाड़ी जो मारता है वो डेली जो कुल्हाड़ी मारता है उसका पेड़ जल्दी नहीं कटता, लेकिन जो बीच बीच में कुल्हाड़ी को धार करता है उसका पेड़ जल्दी कटता है। तो बोलने का मतलब है कि आप रनिंग करिए लेकिन डेली दौड़िए मत, उसमें फिर ABC वर्कआउट कीजिए, कोर वर्कआउट कीजिए, इसमें आपकी बॉडी को मांसपेशी को आराम भी मिलेगा और आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होगी। डाइट पे ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, एक तो वीडियो बनाते टाइम याद नहीं आते क्योंकि मैं वीडियो एक ही सांस में डाल देता हूँ बना के। ओके, जितना भी मेरे माइंड में रहता है, जितना मेरा मतलब अनुभव है, मतलब कोई बनावटी वीडियो अपन सोच के डालती नहीं कि अपने को ये करना है वो बोलना है, पब्लिक को खुश करने वाला हमारे पास काम नहीं है,
और दूसरी बात, मैं अभी रायपुर में यहाँ पे और मैं जहांगीर जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर से वहाँ मेरा ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट होने वाला है फिर से। तो इस बार मेरा है कि मैं कम से कम 30 बच्चों को, अधिक से अधिक 50 बच्चों को लूँगा। और अभी तक की रिकॉर्ड रहा है कि जितने बच्चे को मैं लेता हूँ उतने ही बच्चों का सिलेक्शन हमेशा होता है। होने के पीछे कारण ये है कि मैं ये सोच के उनको प्रैक्टिस कराता हूँ कि ये भर्ती मेरा है। और इतना अनुभव हमारे पास है कि हम किसी को भी एक पुलिस इवेंट के लिए 6000 पद में 50 इवेंट हम उसको बच्चे लोग को दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जहांगीर आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको खुद के वैन में रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सएप में जहिन करके वो मुझको लिख सकते हैं। जो भी फीस रहेगा, फीस तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है ना, तो वो फीस आपको तब देना है जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि हम किसी को चीट नहीं करते। मेरा मानना है कि आप जिस काम से हमारे पास आए हो, आप हमारे पास किस लिए आए हो कि सर हमको पुलिस विभाग में एक पोस्ट दिलवाएंगे, तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तभी आप पैसों दोगे, अगर नहीं आता है तो आप एक रुपये नहीं दोगे। ये बात को माइंड कीजिएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, आज तक जहाँ तक अभी तक नहीं हुआ है कि मेरे पास आया हुआ लड़के का, लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, उसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसने ट्रेनिंग बीच में छोड़ के भग गया है या भग गई है या मैंने उसको खुद भगा दिया गया है। मैं ट्रेनिंग से भगाने का कारण यह है कि अनुशासनहीनता यहाँ बर्दाश्त नहीं होती, डिसिप्लिन, क्योंकि एक दो लोगों के कारण पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अनुशासन चलता है। इसलिए अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना होगा तो व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। और किसी प्रकार का इशू होगा, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं भी आएंगे जहांगीर, मैं समझ सकता हूँ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाके रहना, खासतौर पर लड़की लोग, तो मैं अपने YouTube के माध्यम से ऐसी फिजिकल की वीडियो बाद में और जानकारी भरी वीडियो जो आपके कमेंट्स रहेंगे इसको मैं डालते रहूँगा और आखिरी तक के आपका साथ दूँगा। फिजिकल मैं अपने YouTube वीडियो के जरिए आपको तकनीक बताते रहूँगा, आप उसको फॉलो करना। अगर मेरे पास नहीं आते तो ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्सनल दम सिखाता नहीं हूँ किसी को, जो आएंगे उनको तो मैं सिखाऊंगा ही प्रैक्टिकली, लेकिन जो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे सिखाता हूँ लोगों को। ऐसी नहीं है कि मेरे क्लाइंट सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, MP, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, हर तरफ है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे उसका धन्यवाद, और किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, आप बिंदास रहिए, अपने पे भरोसा कीजिए, अपने कोच पे भरोसा कीजिए, और उसके अलावा किसी पे भरोसा ना कीजिए। यहाँ एक ही चीज़ साथ देगी आखिर तक, आपका आत्मविश्वास। ग्राउंड में भी जाएंगे आप आत्मविश्वास से भरे होके जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।